आज मैं आपको बीट मेकिंग के साथ साथ मिक्सिंग के कुछ पॉइंट भी क्लियर करवाऊंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो बस इतना सपोर्ट करें कि वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर किसी को अपने गाने के लिए बीट चाहिए हो या मिक्सिंग मास्टरिंग करवानी हो तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करें। एमसी स्टे न की तरह आज हम एक वाइब बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक गिटार का साउंड लिया है। इसकी अरेंजमेंट के बाद मैं आपको इसकी मिक्सिंग बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने इसमें ट्रांस डीले का यूज किया है क्योंकि मुझे गिटार की आवाज को रिलीज में पीछे हल्के हल्के से लाना था। उसके बाद मैंने इक्वलाइजर से इसकी लो फ्रीक्वेंसी को काटा ताकि हम किक के लिए भी थोड़ी जगह बना दे। उसके बाद मैंने रिवर्ब का यूज किया जिससे गिटार की आवाज हमें गूंजती हुई सुनाई दे। इसके बाद हमने इसमें फ्लूट का साउंड लिया है और उसमें भी इन्हीं इफेक्ट्स का यूज किया है। एमसी स्टेन के गाने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका ड्रम साउंड है, इसलिए इसको गौर से देखें कि मैंने किस तरह से इसकी अरेंजमेंट की है।